हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यदि आप इंजीनियर में मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं या आईटी फील्ड से हैं या कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो ये आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी को पता है कि मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियर्स पढ़ाई करने के बाद किसी न किसी कंपनी में जॉब करेंगे या अपनी खुद के स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक ऐसे डिवाइस के बारे में है कि जिसको आप बना देते हैं, यदि आप उसको अच्छे से बनाते हैं तो आप इंडियन रेलवे के साथ जुड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये एक तरह से अपने आप में एक नई डिवाइस है इंडियन रेलवेज के लिए। इसका काफ़ी बड़ा स्कोप है, बहुत काम होना बाकी है और इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स बताऊँगा कि ये मशीन क्या है। एक्चुअली आप यहाँ देखिए, जो मशीन है उसका नाम है हॉट बॉक्स डिटेक्टर सिस्टम भी इसका नाम है। इसके दो नाम है। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन रेलवे में जो ट्रेन होती है उसमें एक्सल होता है। एक्सल के दोनों साइड में व्हील होता है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी। एक्सल के ऊपर बेयरिंग होता है और बेयरिंग के ऊपर ही बॉडी स्टे करती है, बॉडी स्पेस स्टे करती है। तो जब बेयरिंग आपका रनिंग में खराब हो जाता है तो इस बेयरिंग का टेम्परेचर राइज करने लगता है। यदि सही समय पर हम बेयरिंग का टेम्परेचर नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, यदि नहीं कर पाए, इंडियन रेलवे यदि डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है। वो बेयरिंग आपका टूट जाएगा, वो जनरल वो टूट जाएगा। पहला केस। तो इस डिवाइस का काम है कि जैसे ही बेयरिंग खराब होती है और ख़राब होगी तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा। एक लिमिट के बाद जब टेम्परेचर राइज करता है तो ये मशीन आपको बता देगी, एक कंट्रोल रूम को और कुछ खास ऑफिसर्स को या जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय हैं जो इसके लिए लगाए गए हैं इसके कंट्रोल रूम में, उनको ये मैसेज दे देगा कि आपका ये इस ट्रेन नंबर जो पास हो रही है किसी पर्टिकुलर जगह से, उसका ये इंजन से उसका क्वेश्चन क्या है, कौन सा नंबर ऑफ एक्सेस है और उसमें के खराबी आ गई है, आप उसको अटेंड करिए। व्हील के केस में भी है। यदि ब्रेकिंग, आपको पता है कि व्हील को रोकने के लिए ब्रेकिंग का यूज किया जाता है, ब्रेक शू का यूज किया जाता है, ब्रेक ब्लॉक का यूज किया जाता है। यदि मान ली ट्रेन चल रही है किसी पार्टिकुलर वैगन के किसी पार्टिकुलर व्हील में ब्रेकिंग लगी रह गई, वो रिलीज नहीं हुआ, तो उससे भी क्या होता है कि पार्टिकुलर आपका व्हील रोटेट नहीं करेगा और उससे भी एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो उस केस में भी जब व्हील रोटेट नहीं करेगा तो ट्रैक के साथ जो संपर्क है व्हील का, जो कॉन्टेक्ट है वो रोटेट करेगा, वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी राइज कर जाएगा। तो वो भी ये मशीन बता देगी कि हाँ, किसी जो गाड़ी गई है इसके इंजन से इतने नंबर एक्सल में या इतने नंबर वैगन के इतने नंबर एक्सल में का लेफ्ट साइड या राइट साइड का एक व्हील में ब्रेक बाइंडिंग लगी हुई है, आप उसको अटेंड करिए। ये मेन इसका मोटो है मशीन का। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो की जाती है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसमें मैं काफ़ी डिटेल्स बता रहा हूँ कि इंफ्रारेड क्या होता है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी ही क्यों यूज करते हैं। और आपने देखा होगा कि मैं पिछली वीडियो में आपको एक हैंड हेल्ड थर्मोमीटर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर। थोड़ा सा मैं एग्जांपल बता दूं। सपोज करो आपके पास एक फर्नेस है, आग जल रहा है और आपसे कोई पूछे कि इस आग जलती हुई आग का क्या टेम्परेचर है तो आप क्या यूज करेंगे। आप ये मत सोचिए कि हम कोई थर्मोमीटर ऐसा बताने जा रहे हैं जिसको आपको टच करना होगा, टच की जरूरत नहीं है। आजकल नॉन कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर आ रहे हैं, आप दूर से ही पता कर सकते हैं उस पर ट्रिगर करके उसका टेम्परेचर क्या है। तो वैसे ही सिंपली ट्रैक के दोनों तरफ, जैसे कि आप फोटोग्राफ से देख सकते हैं, ये हमारा रेलवे का ट्रैक है, आप देख सकते हैं रेलवे का ट्रैक है। और एक दोनों ट्रैक पर जब ट्रेन चलेगी तो यहाँ पे दोनों व्हील यहाँ से पास होंगे। जब इस ट्रैक में कुछ हाइट पर, इतने हाइट पर एक्सल होगा तो उसी सेम हाइट पर हमको क्या करना है, एक इधर पायरोमीटर यूज करना है और इधर एक पायरोमीटर लगाना है। तो हमने दो यहाँ पर एक इधर बॉक्स बना दिया, एक इधर बॉक्स बना दिया। रेल लेवल से खास ऊंचाई पर जहाँ पर आपका एक्सल है उसी हाइट पर यहाँ पर पायरोमीटर रखना है, यहाँ भी पायरोमीटर रखना है। पायरोमीटर क्या है, बेसिकली पायरोमीटर एक तरह से टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है, सेंसिंग सेंसर है, टेम्परेचर सेंसिंग सेंसर है। वो टेम्परेचर बताएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिया दोनों तरफ, इधर पायरोमीटर इधर पायरोमीटर लगा दिया।
फिर आपने क्या किया, ट्रैक से व्हील का जो संपर्क होता है बिल्कुल आप 5 mm या 10 mm पर या 15 mm पर जो रेल लेवल, उससे आप एक और सेंसर लगा दीजिए ताकि व्हील का ब्रेक बाइंडिंग केस में वो बता सके टेम्परेचर क्या है। इधर भी आपको सेंसर लगाना होगा, एक इधर भी सेंसर लगाना होगा आपको व्हील के लिए। तो ये हो गए। और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब यहाँ से ट्रेन पास होगी तो कब ये सेंस करेगा, जब यहाँ पे एक्सल आएगा तभी सेंस करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, इस क्योंकि पार्लर में जो यहाँ पे पार्लर मीटर लग रहा है मात्रा, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको एक ट्रिगरिंग डिवाइस लगानी होगी जिसको ट्रिगर सेंसर ही बोलते हैं, इसको प्रोक्सीमिटी सेंसर ही बोलते हैं और इसको एक्सल काउंटर बोलते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे एक्सल लगा तभी ये टिक करेगा, इसको बताएगा पायरोमीटर से कि आप टेम्परेचर ले लो, यहाँ पे एक्सल आ चुका है। ट्रेन के इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ट्रेन की बॉडी हो गई, एक कोच हो गया, मतलब एक वैगन हो गया या पैसेंजर वालों के लिए कोच हो गया, उसमें दो ट्रॉली होती है, एक ट्रॉली इस एंड में होती है, एक ट्रॉली इस एंड में होती है। एक ट्रॉली पर दो एक्सल होते हैं, यानी एक ट्रॉली पर दो एक्सल हो गए, उनके डिस्टेंस कम होती है, 2.4 मीटर होती है नॉर्मली, और इस वाले में 2.4 मीटर की दो एक्सल हो गई। लेकिन दोनों ट्रॉली के बीच काफी गैप होता है और ट्रेन बहुत हाई स्पीड से पास हो रही है, सपोज करिए कि 120 की स्पीड से पास हो रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जब दो एक्सल के बीच में डिस्टेंस 2.4 मीटर है और स्पीड ट्रेन की और 120 किलोमीटर की है, तो इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दोनों एक्सल पास होने का टाइम बहुत ही कम हो जाएगा, यानी सेकेंड के कुछ 18वें या 10वें से 15 से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा आएगा। तो उसके हिसाब से जो यहाँ पर हम ट्रिगर सेंसर लगा रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई होनी चाहिए, क्योंकि जो पायरोमीटर है वो तो कंटिन्यूस टेम्प चलेगा नहीं, कंटिन्यूस लगेगा तो बहुत सारे टेम्परेचर ले लेगा, और आपको तो उसी का टेम्परेचर लेना है जब वहाँ पे एक्सल आए और उस बॉक्स के ऊपर ले या व्हील जब आ जाए इसके सामने तभी लो तभी लेते हैं। इसलिए यहाँ पर हम पायरोमीटर यूज करते हैं, सॉरी यहाँ पर पायरोमीटर के साथ पायरोमीटर बिल्कुल पार्लर में यहाँ पर हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर या ट्रिगर सेंसर यूज करते हैं। तो जब यहाँ पे एक्सल आ जाएगा तब एक्सल का टेम्परेचर ले लेगा, तो जब सेम टाइम पर व्हील का भी टेम्परेचर ले लेगा। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या किया हमने कि यहाँ पे हमने भी एक ट्रिगर सेंसर और यूज किया है, दो आप चाहे तो एक भी यूज कर सकते हैं। जब ट्रेन इधर से पास होगी तो ट्रेन इसको इस ट्रिगर सेंसर इसको इन्फॉर्म कर देगा कि ट्रेन आ रही है, ये सारे सेंसर एक्टिव मोड में आ जाएंगे और अपना रेडी रहेंगे टेम्परेचर लेने के लिए। और इधर भी हमने एक सेंसर लगाया हुआ है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर या ट्रिगर सेंसर। लगाने का फायदा क्या है, अलग अलग जब यहाँ से ट्रेन पास होगी तो ये ट्रिगर सेंसर या एक्सल काउंटर काउंट कर लेगा नंबर ऑफ एक्सल कितने पास हुए, ये भी काउंट कर लेगा और ये भी काउंट करेगा, आपस में तीनों वेरीफाई कर लेंगे कि ट्रेन जितना इंटर हुआ उतना ही एग्जिट हुआ। यदि इस साइड से यहाँ से अगर ट्रेन आ रही है तो हम ही समझ जाएंगे कि डायरेक्शन ट्रेन का इधर से है, तो पहले ये सेंस करेगा तभी ना पता चलेगा। यदि ट्रेन इधर से आ रही है तब ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर या ट्रिगर सेंसर पहले एक्टिवेट होगा और इन्फॉर्म इसको करेगा ट्रेन इधर से आ रही है। यदि ट्रेन इधर से आ रही है तो हम उसको पार्टिकुलर कोई नाम देते हैं, इसको बोलते हैं अप डायरेक्शन। इधर से ट्रेन आ रही है उसको हम कोई नाम देते हैं, इसको बोलते हैं डाउन डायरेक्शन। तब इस सेंसर से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। हमने फीचर्स में बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं कि मशीन के क्या फीचर्स हो रहे हैं, रेलवे में क्या, रेलवे ने क्या फीचर्स मांगे हुए हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मांगे हुए हैं। तो डायरेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इधर से यदि अपने पायलट लगाया हुआ है, सॉरी पायलट नहीं प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ लगाया हुआ है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर ट्रेन से इधर से आती है तो आपको पता चलेगा डायरेक्शन क्या है। तो ये पहला फुलफिल हो जाता है आपका डायरेक्शन। यदि इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बीच में हमें पार्टिकुलर डिस्टेंस रख दें 50 मीटर का या 100 मीटर का भी रख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे तो वायरिंग ज्यादा खर्च पड़ेगी आपको, हमने 50 मीटर रखा हुआ है। तो जब कोई पार्टिकुलर एक्सल यहाँ आता है वही सेम एक्सल यहाँ पर आता है, दोनों एक्सल के बीच में मान लीजिए 10 सेकंड लगा एक ही पार्टिकुलर एक्सल का, एक एक्सल यहाँ पर वही सेम एक्सल यहाँ पर 10 सेकंड बाद आता है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है 50 मीटर, टाइम हमने 10 सेकंड कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ से स्पीड पता चल सकती है एवरी एक्सल का। और सारे एक्सल का स्पीड जोड़ दीजिए प्लस नंबर ऑफ एक्सल जोड़ दीजिए तो ट्रेन की एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। तो यहाँ से आपको स्पीड ऑफ एवरी एक्सल और एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन से यहाँ से पता कर सकते हैं। दो चीज आपको मिल गई, टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ एक्सल एंड व्हील, इसके लिए हमने पायरोमीटर लगाया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे दो पायरोमीटर यहाँ लगा हुए हैं
एक एक्सल की हाइट पर और एक व्हील के विड्थ बहुत बड़ा होता है गोलाकार, लेकिन हमें पूरक नहीं लेना है, जो संपर्क में है ट्रैक के साथ जब ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगी तो हीट सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जो संपर्क में है वो रगड़ता हो जाएगा तो हीट वहाँ का होगा। यदि किसी कोई एक्स कोई व्हील का रगड़ता नहीं है फिर भी ये सारे व्हील का उस साथ जब व्हील आ जाएगा वहाँ पर इसके सामने तो व्हील का टेम्परेचर भी लेकर नॉर्मल केस में जब रिपोर्ट बनेगी तो उस रिपोर्ट में आपके सारे व्हील का और सारे एक्सल का टेम्परेचर रहेगा दोनों बोथ साइड का। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी पता कर लिए हमने पैरामीटर लगाए हुए हैं, यहाँ पर टोटल चार पैरामीटर यूज कर रहे हैं बस। एक्सल काउंटर की बात है तो एक्सल काउंटर प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्सल काउंटर काम करता है तो यहाँ से आप एक्सल काउंट कर सकते हैं। एम्बियंट टेम्परेचर के लिए हम अलग से एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर यूज करेंगे, इसी में किसी पैनल में आप लगा दीजिए और उसका जो वायर होता है बाहर लटका जैसे एंटीना होता है ना वैसे एक सेंसर अलग से आता है उसको आप पता कर सकते हैं कि एम्बियंट टेम्परेचर यानी वातावरण का क्या टेम्परेचर चल रहा है, उसके लिए आप अलग से यहाँ पर लगा सकते हैं सेंसर तो आप पता चल जाएगा एम्बियंट टेम्परेचर। टाइम और डेट के लिए सिंपल सी बात है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में आप GSM सिम यूज करेंगे जो नेटवर्किंग से नेटवर्क से कनेक्ट रहेगा इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा उसको, तो इंटरनेट से भी आप टाइम और डेट पता कर सकते हैं तो ये भी मिल जाएगा आपको। जब यहाँ पे बहुत सारे कोचेस या वैगन्स या इंजन पास होगा तो ये तो सबको सबका एक्सल काउंट करेगा, सबका टाइम लेगा और सारे एक्सल्स के बीच दूर लगातार एक्सल्स के बीच का भी आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं। सपोज करिए पहला एक्सल यहाँ पाया 10:10 पर, दूसरा एक्सल आया 10:15:16 पर, एक मिनट डिफरेंस बना तो ये पता चल जाएगा कि स्पीड तो पता चल ही रही है, स्पीड पता है आपको, टाइम पता है दो एक्सल बीच का कितना पास होता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं आराम से। तो आप डिस्टेंस पता कर लिए, टाइम पता कर लिए, तो दो एक्सल बीच का डिस्टेंस जब पता चल जाता है तो आपको बता दूं कि जितने इंडियन रेलवे में वैगन्स होते हैं, कोच होते हैं, इंजन होते हैं, सब में क्या होता है, एक वर्ड होता है व्हील बेस। दो एक ही ट्रॉली पे दो एक्सल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं व्हील बेस, उसी से डिफरेंशिएट कर लेता है ये मशीन कर लेगा कि ये रियल में कौन सा गाड़ी पास हुआ है, वैगन्स पास हुआ है या लोको मतलब इंजन पास हुआ है या ब्रेक वायर पास हुआ है या LHV कोर्स पास हुआ है या ICL कोर्स पास हुआ है या 1080 पास हुआ है, उससे पता चल जाता है। एक्चुअली वैगन्स और लोको वैगन्स और कोच में सब में एक वैगन या एक कोच में चार एक्सल होते हैं, लेकिन इंजन केस में लोको केस में छह एक्सल होते हैं, तो इसी में पता चल जाएगा कि ये लोको पास हुआ है। सो हम प्रोग्रामिंग बता देंगे इसमें बताएंगे इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो रहा है आप इसे पता चल जाएगा। और वैगन्स में चार एक्सल होते हैं, सब में ब्रेकवान में चार होते हैं, ब्रेकवान में भी आठ भी होते हैं, एक्सल किस किस्म में चार होते हैं। और बता दें आपको LHV ICF के लिए इसमें दो एक्सल होते हैं, चार एक्सल सॉरी ब्रेकवान में 4 एक्सल्स वाली ब्रेकवान है और 2 एक्सल वाली ब्रेकवान है बस, तो इसको एडिट करेगा। इसमें हम सारी चीज़ बता देंगे, डेटा इसको दे देंगे, मशीन को पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ पता कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, स्पीड भी पता चल गया आपको, मतलब सारी चीज़ पता चल गई। सारी चीज़ों को एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में आप फॉर्मेट बना दीजिए, ये मशीन जो है डिवाइस एक फाइनल रिपोर्ट आपको तैयार करके दे देगी कंप्लीट। अब इस मशीन को बनाने में बेसिकली क्या क्या यूज़ करना है तो मैं बताया था, पायरोमीटर से यूज़ करना है, हाई स्पीड पायरोमीटर से करना है क्योंकि ट्रेन पास हो रही काफ़ी स्पीड से, तो उसी हाई स्पीड से ही वो पायरोमीटर ले उसकी क्या फ्रिक्वेंसी है, क्या रिस्पॉन्स टाइम है, इसके हिसाब से आपको हाई स्पीड पायरोमीटर लेना होगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको ट्रेस सेंसर या एक्सल काउंटर लेना होगा, यहाँ पे दो यूज कर सकते हैं, एक भी से काम चल जाएगा और यहाँ पे दो चाहिए और यहाँ पे यहाँ भी एक से काम चला सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ भी एक से बिल्कुल दोनों पार्ले में लगाए एक से काम चल जाएगा। इसका यूज इसलिए करना है ना कि यहाँ पे जब एक्सल आए तो इसको बता देगा एक सलाइट अब चले लो, यहाँ पे आप एक भी लगा सकते हैं सिर्फ रिस्पॉन्स टाइम के लिए, स्पीड मेजर करने के लिए दो अलग अलग दो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आएगा तो आप स्पीड लेने में आसानी होगी और ये अगर आते हैं तो इसको एक्टिवेट कर देगा तुरंत, भाई पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रही है, काम करना शुरू कर देगा। डायरेक्शन के लिए इधर भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर आप ले लेंगे। इन सबको सारे चीज़ों को आपने ले लिया, इनपुट ले लिया, लेकिन इसको एक प्रोग्रामिंग देना होगा आपको, एक प्रोग्रामिंग सब सारे इनपुट्स को यूज़ करके आपको आउटपुट्स निकालने हैं। ठीक है, और सारी चीज़ का प्रोसेस होना है,
इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी जिसमें रिस्क वेरीफाई ठीक है यूज कर सकते हैं। और दूसरा चीज क्या है, सारे इन्फॉर्मेशन आ जाए। रेलवे आपसे कह रही है कि हमें किसी जब मैसेज कभी दो हमारे मोबाइल पर, जब किसी पर्टिकुलर एक्सपो का टेम्परेचर मान लो कि 75 डिग्री से ऊपर हो जाए, किसी व्हील का टेम्परेचर 80 डिग्री से ऊपर हो जाए, उस केस में हमको बताओ, मैसेज कराओ इस मशीन से, तभी हम जाके आदमी भेजेंगे। क्योंकि हर गाड़ी का मैसेज आएगा तो आदमी पागल हो जाएगा। कट ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं इसको, कट ऑफ टेम्परेचर, यानी एक जैसे 100 का टेम्परेचर आता रहा, किसी का 40 आ रहा है, किसी का 35 आ रहा है, किसी का 50 आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। किसी 100 का टेम्परेचर इंक्रीज करके 75 ऊपर जाता है, सपोज करो ये कस्टमाइज है, आप तो इसको प्रोग्रामिंग सेट करवा जाएगा, तो 75 ऊपर हो या 80 डिग्री ऊपर हो जाए केस में, तो आप हमको मैसेज दे दो। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, मोबाइल इस मशीन के पास एक सिम होना चाहिए, जैसे हम सिम से मैसेज करते हैं दूसरे को, तो जीएसएम मॉड्यूल होना चाहिए। जीएसएम मॉड्यूल होने से क्या फायदा है कि जो इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज करोगे उसके साथ ये कम्युनिकेट करके उससे रिपोर्ट लेके आपको मोबाइल भेज देगा, उस केस में जब ये कंडीशन फुलफिल हो। साथ ही यदि आप एक वेबसाइट बना लेते हैं इसके लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए, तो वेबसाइट पे ये सारे रिपोर्ट को, एवरी क्लिनिक का रिपोर्ट जो है अपने आप उसको ट्रांसफर करता रहेगा, देता रहेगा रिपोर्ट वेबसाइट पर। हर प्रोसेस होने के बाद फाइनल रिपोर्ट जब जनरेट हो जाएगा तो आपके वेबसाइट पर भेज देगा, आप कभी भी उसको परमानेंट आप देख सकते हैं लाइफ टाइम। वेबसाइट पर भी आप बना सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू कि किसी पर्टिकुलर एक्सो का टेम्परेचर या विंड टेम्परेचर इतना के बढ़ जाता है, तो हमको उस वेबसाइट को पर ही एक प्लगइन यूज कर सकते हैं, बजर का यूज कर सकते हैं। यदि आप वेबसाइट खोल बैठे हुए हैं जब ट्रेन पास हो रही है, आप देखोगे सिंपल बता दें, एग्जाम्पल की cricbus.com होता है, वेबसाइट होती है क्रिकेट के लिए, जब हम उस पर देखते हैं मैच का स्कोर देखते हैं, तो एवरी 10 सेकंड बाद वो रिफ्रेश हो जाती है। तो उसे इसने आप वेबसाइट बनाइए और उसकी डिजाइन इस तरह से करिए कि जब यहाँ से रिपोर्ट जाए वो भी रिफ्रेश होता रहे, एवरी 10 जब पास हो तो रिपोर्ट आपका रिफ्रेश हो जाए। एक ये आप लॉग इन रखिए, दूसरा लॉग इन क्या हो कि सारे डेटा आपके पास अवेलेबल रहे सारे ट्रेन का, और एवरी ट्रेन का जब पास हो रही है, और तो उस समय एक ऐसा सिस्टम रखिए कि जब ट्रेन पास हुई उसका तुरंत आ जाए लास्ट ट्रेन का, और साथ में ही और ट्रेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस रिलेटेड इशू आ रहा है, तो साथ ही बजर बजे तो आदमी एक्टिव होकर देखेगा भाई हाँ गाड़ी पास हुई है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इस मशीन में आपको बता दूं कि जैसे मॉड्यूल जरूरी है दोनों कम्युनिकेट करने के लिए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जरूरी है, कुछ आपको रिले सेंसर की जरूरत पड़ेगी, रिले बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, रिले बोर्ड की जरूरत, जब बहुत सारे आप कनेक्शंस करेंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स इधर दो पैरामीटर्स हो गए कि इसको आप कहीं ना कहीं जोड़ोगे, इसको भी जोड़ोगे, तो बहुत सारे रिले बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो रिले बोर्ड की आपको जरूरत पड़ेगी। पांचवा पॉइंट रिले बोर्ड, वाईफाई आपको वाईफाई मिलता है, जीएसएम सिम से आप यूज कर सकते हैं नेट, या अलग से आप कोई भी डोंगल खरीद सकते हैं, इसमें दिक्कत आ रही है डोंगल भी आप ले सकते हैं बाहर से। इस मशीन का जो कॉस्ट है वो तो कितना आएगा, आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हाई स्पीड पैरामीटर का रेट जो है, यदि आपको 50 KB मशीन का बनाना हो, अगर इसके पैरामीटर सस्ते मिलेंगे आपको, एक पैरामीटर मान लो कि 5,000 के आसपास मिल जाते हैं आपको, 4 इंच करोगे 20,000 पड़ जाएगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक आप यूज लोगे, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको उसका रेट रख लो आप अच्छे क्वालिटी का जो है 5,000 का, मान लो 5,000 का लो, हम कह रहे 6 कर लिया 30,000 का हो गया। ये रेस्पबेरी पाई 3 आपने यूज किया है, अगर रेस्पबेरी पाई यूज किया प्रोसेसर 3500 रुपये का आता है। जैसे मॉड्यूल सिंपल हो गया, महंगा लोगे 2,000 का आ जाएगा। रिले बोर्ड आपका आ जाएगा 200 रुपये का। इसके अलावा इसमें आप पावर बैकअप के लिए बैटरी यूज करोगे, भाई मान लो इलेक्ट्रिसिटी इसको तो दो ही पावर सप्लाई, आप देख सकते हैं मैं बनाया हूँ, उसमें आप पावर सप्लाई दोगे साथ में बैटरी बैकअप भी दोगे, तो आप बैटरी ले लो UPS अच्छा क्वालिटी यूज कर लो, तो कह रहे हैं कि आप 10 घंटे का यूज कर लो, बड़ा वाला UPS सब चीज जोड़ लो, उसमें स्टेबलाइजर हो या बैटरी हो दोनों मिला के 10 घंटे दे दिया UPS यूज कर लिया आपने। और भी छोटी मोटी चीजें आप इसके जो ये पैनल्स हैं जो बनाने में जो खर्च आ रहा है, मान लो कि 5,000 वो लग गया खर्च, आप दाम जोड़ो टोटल कितना खर्च होगा आपका, ज्यादा नहीं होगा आपका 20-50,000 हो गया टोटल, मान लो 1,00,000 रुपीज का खर्च है इसमें एक वर्ष बनाने में। यदि आप जो सबसे कॉस्टली चीज होता है वो होता है पायरोमीटर्स,
यदि आप हाई स्पीड पैरामीटर यूज कर रहे हैं, यदि वो कॉस्टली है, मान लो कि 5,000 50,000 का यूज कर रहे हैं हाई स्पीड के लिए, 1,00,000 का यूज कर रहे हैं, तभी एक मशीन कितने कॉस्ट जाएगी? 5,00,000, 7,00,000, 8,00,000। इस मशीन में आपके डिस्प्ले बोर्ड लगाते हो जहाँ पे दिखाई दे, उससे कॉस्ट जोड़ रहा। हाँ, एक्चुअली चीज आप जोड़ते जा रहे हैं इसमें, जैसे जैसे आप इसके फीचर्स और एडवांस करते जा रहे हैं, आप इसमें चीजें बढ़ाते जाएंगे, कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन जो मेन कॉस्ट है, मेन बेसिक कॉस्ट है, कितनी होगी? सिंपल मशीन बनाते हैं, इसकी कॉस्ट आपको 1.5 लाख पड़ेगी या 2,00,000 पड़ जाएगी। हम ये मानते हैं 2,00,000 पड़ जाएगी बिल्कुल आराम से, सिंपल बना देते हैं तो। और हाई स्पीड बनाते हैं तो 5,00,000 से लेकर 10,00,000 बीच में मशीन बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। लेकिन कोई सर इससे आपसे 80,00,000 मांगे, 50,00,000 मांगे, उचित नहीं है। अब थोड़ा सा दिक्कत ये आएगा आपको, यदि आप सब चीज़ ला देते हैं, आप सेटिंग कर सकते हैं, कनेक्शन सब कर दिए, प्रोग्रामिंग जो आएगी मेन, इसके वजह से थ्री एक प्रोसेसर है, इसमें प्रोग्रामिंग करना होगा, सारे जो भी हार्डवेयर यूज कर रहे हैं सबको एक लैंग्वेज देना होगा, इंस्ट्रक्शन देना होगा, इस मशीन कुछ डेटा आपको प्री डेटा इसमें बताना होगा। जैसे आपको बताया था ये कि 2 एक्सल के बीच में व्हील बेस क्या है और तमाम चीज़ें बतानी होगी, इसके बीच में डिस्टेंस कितना रखे हैं, टाइमिंग, सब तमाम चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग में पाइथन, आप लेडी, तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ है, जावास्क्रिप्ट है, जिस पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। एक चीज़ और बताया था कि एम्बिएंट टेम्परेचर को इसमें यूज बेसिकली क्या है, तो एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, ये कट ऑफ चीज़ें हैं, मतलब टेम्परेचर कैसे रेलवे तय करेगा कि हॉट एक्सल हो गया है। ये तो एक तो इसने एब्सोल्यूट इन्वर्सल बता दिया आपको, 75 डिग्री से ऊपर हो जाए तो आप बता दो भाई हॉट एक्सल स्टडी मार रहा है, हमें मैसेज देना। मान लो मौसम ठंडी का है, बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और ठंडी गर्मी का मौसम है, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, दोनों केस पर ध्यान दीजिएगा। उस केस में यदि किसी एक्सल का टेम्परेचर 75 डिग्री मिलता है, मौसम ठंडी का है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 55 डिग्री है। गर्मी के मौसम में कितना डिफरेंस है दोनों में? 35 डिग्री डिफरेंस है। तो फर्क तो बहुत है भाई, ये 35 डिग्री डिफरेंस है, ये 55 डिग्री डिफरेंस है। तो जब ठंडी के मौसम में 75 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एम्बिएंट टेम्परेचर से 30 डिग्री अगर कोई चीज़ आती है तो वह भी हॉट एक्सल स्क्रीन में आती है, जिससे आडियो सुन जाता है। तो 75 और 80 डिग्री तो हमने भाई नॉर्मल बता दिया, 75 एक्सल के लिए बता दिया, 80 व्हील के बता दिया नॉर्मल केस में, एब्सोल्यूट केस में। यदि ठंडी का मौसम 40 डिग्री, यदि 50 डिग्री टेम्परेचर आ जाए, 51 डिग्री आ जाए, तो दोनों के 31 डिग्री का डिफरेंस है, ये भी हॉट एक्सल माना जाएगा। तो वो तो क्या रेलवे का कस्टमाइजेशन है कि यूज कैसे यूज करती है, आपका काम क्या है, मशीन बनाया आपने, टेम्परेचर आपने लेना शुरू कर दिया हाई स्पीड में दोनों चीज़ों का, बाकी फीचर्स आप लेना शुरू कर दिए, फिर रेलवे आपसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकती है कि आपको कितना टेम्परेचर पर आपको मैसेज भेज दूँ, वो अलग केस है। लेकिन आप जो है, जो बता दूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है, यदि आप बना पाते हैं तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए, प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और बस इतना ही है, और इसमें पूरी आपको कोई चीज़ की कमी लगती है तो आप कमेंट करिए, नीचे जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए मशीन का क्या है, और साथ ही यही कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर कमेंट करिए कि इसमें क्या आपको चीज़ समझ में नहीं आई है, और उसमें आप मुझसे सवाल करिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा। थैंक यू वेरी मच। बस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, टेक इंडिया चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जरूर करिएगा। धन्यवाद।